हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑफ क्लास नाइन चैप्टर थ्री दैट इज ड्रेनेज सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो हम समझते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है जब एक रिवर अपने सोर्स से निकलती है और फ्लो होते हुए लास्ट लास्टली किसी लार्ज वाटर बॉडीज में जाके मिल जाती है जैसे कि लेक्स हो गया आपका सी हो गया ओशियन हो गया और जब रिवर फ्लो करती है तो रास्ते में क्या होता है कि छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं ये मेन रिवर से आके मिलते हैं और इस स्ट्रीम्स को हम क्या कहते हैं ट्राइबूट्री कहते हैं तो ये सारा जो सिस्टम है जो सोर्स ऑफ रिवर से लेके जिस जिस एरिया से ये फ्लो करती जाती है और रास्ते में जो ट्राइबूट्री जो है मेन रिवर से मिलती हैं और लास्टली जब रिवर जो है लार्ज वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है ये जो सारा एरिया है इसे हम क्या कहते हैं ड्रेनेज बेसिन कहते हैं समझ में आ गया आपको ड्रेनेज बेसिन तो डिफिनेशन देख लेते हैं द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टूगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक सीज एंड ओशियन और लास्टली क्या होता है ये लार्ज वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है तो ये पूरा जो एरिया है ये ड्रेनेज बेसिन है तो सबसे ज्यादा ड्रेनेज एरिया किसका है कौन सी नदी का है तो एमेजॉन है एमेजॉन का जो है लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया है पूरे वर्ल्ड में तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है लार्जेस्ट का मतलब उसका ड्रेनेज एरिया तो वो कौन है एमेजॉन है लेकिन अगर हम वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो वो कौन सी रिवर है नाइल रिवर है जो आपका अफ्रीका में है तो अब हम देखते हैं वाटर डिवाइड क्या होता है तो एनी एलिटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन दो ड्रेनेज बेसिन को क्या करता है कि एक एलिवेटेड एरिया सेपरेट कर देता है जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी है इसका ड्रेनेज एरिया ये है और इसका ड्रेनेज एरिया इधर है इसको क्या सेपरेट कर रहा है तो एक माउंटेन इसको सेपरेट कर रहा है तो उसी माउंटेन को हम क्या कहेंगे वाटर डिवाइड कहेंगे सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड जो भी अपलैंड आएगा जैसे कि माउंटेन हो गए प्लेटूज हो गए जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है सेपरेट करती है उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज एमेजॉन बेसिन ये आपको मैंने कवर कर दिया कि सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसका है एमेजॉन रिवर का है और ये अमेजोन रिवर कहाँ पे है आपका साउथ अमेरिका में है अब हम देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका काफी अलग अलग पैटर्न्स हैं जैसे कि आपका पहला जो है डेंड्रिटिक पैटर्न है तो डेंड्रिटिक पैटर्न में क्या होता है कि जो रिवर है वो क्या करता है स्लोप से नीचे गिरता है और स्लोप से जब वो गिरता है और जो स्ट्रीम्स जो उसको ज्वाइन करती हैं जो ट्राइबल ट्रीज तो वो ऐसा दिखता है जैसे कि ब्रांचेज ऑफ ट्रीज है तो इस तरह के जब पैटर्न होते हैं ड्रेनेज सिस्टम का तो उसे हम क्या कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न सिस्टम कहते हैं जैसे कि आप फिगर में देखिए ये डेंड्रिटिक पैटर्न सिस्टम है तो ये देखिए क्या है स्लोप से जो है वो रिवर मेन रिवर आ रही है और जो ट्राइब्रीज हैं और जो छोटे स्ट्रीम्स हैं ये रास्ते में मिलती हैं इनसे और ये एक ब्रांच ऑफ ट्रीज जैसा दिख रहा है तो इस तरह के पैटर्न को हम डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं अब एक होता है ट्रेलिस पैटर्न तो ट्रेलिस क्या होता है कि जो मेन रिवर है और जो उसकी ट्राइबूट्रीज है वो जब मिलते हैं ट्राइबुट्री जाके मेन रिवर से तो वो राइट एंगल्स पे लगभग मिलते हैं मतलब 90 डिग्री पे मिलते हैं तो उस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं फिर होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन होने स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट रॉकी टेरन जहाँ पे रॉकी टेरन जो स्ट्रॉन्गली ज्वाइंटेड है वहां पे ये रेक्टेंगुलर पैटर्न देखने को आपको मिलता है तो हम देखते हैं रेडियल ड्रेनेज तो रेडियल ड्रेनेज क्या होता है तो द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर जब सेंट्रल पीक मतलब ऊंचा ऊंचा जगह से और डोम लाइक स्ट्रक्चर से जब स्ट्रीम्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जब फ्लो होती है तो वो कैसा पैटर्न बनाता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है इस फिगर में देखिए आपको मैंने डेंडेटिक पैटर्न बता ही दिया ब्रांचेज ऑफ ट्रीज जैसा दिखता है जहां पे स्ट्रॉन्गली ज्वाइंटेड रॉकी टेरन होते हैं तो रेक्टेंगुलर पैटर्न

पाई जाती है एक है आपकी हिमालयन रिवर्स जिसका जो राइज है और जिसका सोर्स है वो कहाँ पे है हिमालयज में है और एक होती है आपकी पेनन्सुल रिवर्स जिसका सोर्स जो है आपका पेनन्सुलर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू में है उसे हम पेनन्सुल रिवर कहते हैं तो हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है हिमालयन रिवर्स और पेनसुलार रिवर्स में तो हिमालयन रिवर्स जो है वो क्या होता है पेरिनियर होता है मतलब वहाँ पे पूरे साल जो है उस रिवर्स में पानी होता है और आपका जो पेनसुलार रिवर्स है ये सीजनल होता है ये सीजनल क्यों होता है क्योंकि ये टोटली रेन पे डिपेंडेंट रहता है और जो ये हिमालयन रिवर्स है इसमें क्या होता है वाटर जो है रेन से मिलता है और उसके अलावा जो ग्लेशियर्स के पिघलने से जो वाटर आता है उससे भी इन्हें वाटर मिलता है दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो मैंने आपको बता ही दिया कि वाटर तो रेन से मिलता ही है और मेल्टेड स्नो से भी इसे वाटर मिलता है द फ्लो ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल और इसका फ्लो किस पे डिपेंड करता है रेनफॉल पे डिपेंड करता है टू मेजर हिमालय रिवर्स कौन कौन से हैं इंदस है ब्रह्मपुत्र है और आपका गंगा भी है वो हिमालयन रिवर्स ही है द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम दियर सोर्स टू द सी और जो हिमालयन रिवर्स का सोर्स है और जहां सी में ये मिलते हैं इसमें ये लंबा रास्ता तय करते हैं जैसे कि आपका इंदस का जो आ, लेंथ है वो लगभग 2900 किलोमीटर है गंगा का भी आपका 2525 किलोमीटर के आसपास है और आपका ब्रह्मपुत्रा का भी लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास जो है लेंथ है और पेनसुलर रिवर्स में क्या है आपका कि ये वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होते हैं क्यों वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होते हैं क्योंकि आपको पता ही है वहां पे ओरोग्राफिक रेन होता है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून की वजह से तो इसलिए ज्यादातर रिवर्स जो है आपको पेनसुल रिवर्स जो है वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होते हैं दीज रिवर्स एफ शॉर्टर एंड सेल्वर कोर्सेज एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर और इन रिवर्स का क्या होता है जो डिस्टेंस है वो जो कवर करती है ये वो काफी शॉर्ट होता है कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स तो अब हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो द मेजर हिमालयन रिवर्स आर कौन कौन सा है मेजर हिमालयन रिवर्स इंदस है और आपका गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है ए रिवर अलोंग इट्स ट्राइबुट्रीज में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी रिवर और उसके जो ट्राइबुट्रीज हैं वो टुगेदर क्या कहलाते हैं रिवर सिस्टम कहलाते हैं तो अब इंदस के बारे में पढ़ते हैं इंदस रिवर सिस्टम के बारे में और इसके ट्राइब्यूटरीज के बारे में तो इंदस जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको पता ही है कि कौन है नाइल है जो अफ्रीका में है द रिवर इंदस राइजेज इन द तिब्बत जो रिवर इंदस है वो कहाँ राइज होता है तिब्बत प्लेटू में राइज होता है नियर मानसरोवर लेक मानसरोवर लेक के पास इसका सोर्स है इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख ये इंडिया में कहा इंटर करता है लद्दाख एरिया में इंटर करता है ठीक और सतलज बीज रावी चिनाब झेलम और ये जो फाइव रिवर्स है ये क्या होता है कि इंदस से कहाँ जाके मिलते हैं मिथान कोट में जो पाकिस्तान में है सेवरल ट्राइब्रीज भी हैं और भी ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस के कौन कौन है जास्कर है नुब्रा है सियोक है हुंजा है ये सब कहाँ पे है काश्मीर रीजन में है लद्दाख रीजन में ही है और ये जो है ये भी इंदस रिवर से मिलते हैं देन द इंदस फ्लोस थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमरजेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटोक गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए माउंटेन ऑफ एटॉक से निकलता है और साउथ डायरेक्शन में होते हुए ये जाके क्या होता है अरेबियन सी में मिल जाता है और अरेबियन सी में मिलने से पहले ये मिथानकोट एक जगह है जहां पे आपका झेलम चनाब रावी और व्यास रिवर जो है ये आके इंदस में मिल जाते हैं और टोटल लेंथ इंदस का क्या है आपको बताइया मैंने ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर है एक इंदस वाटर ट्रीटी हुआ था और ये कब साइन हुआ था नाइनटीन सिक्सटी में जिसमें क्या है कि इंडिया जो है वनली ट्वेंटी परसेंट जो है वाटर यूज कर सकता है जो इंदस कैरी करती है तो फिगर में हम देख लेते हैं कि देखिए इंदस रिवर जो है यहाँ पे तिब्बत प्लेटूज में मानसरोवर लेक के पास इसका सोर्स है यहाँ से होते हुए ये लद्दाख रीजन में एंटर करती है फिर उसके बाद बल्टिस्तान और गिलगिट से होते हुए माउंटेन ऑफ अटोक से निकलती है ये और साउथ डायरेक्शन होते हुए आपका जाके अरेबियन सी में मिल जाती है और अरेबियन सी में मिलने से पहले क्या है झेलम चनाब रावी ब्यास और सतलज अपना पानी जो है इसमें दे देती है ठीक और इसके और भी काफी ट्राइब्यूटरीज हैं जो मैंने आपको बताया दिया जैसे कि नुब्रा सियोग हुंजा जास्कर जो सारे ये काश्मीर रीजन में ही हैं तो ये जो इंदस रिवर है और जो इनके ट्राइब्यूटरीज हैं और जहां इसका सोर्स है और जहां ये जाके लास्टली जो है ड्रेन होता है तो ये टोटल सिस्टम को हम क्या कहते हैं इंदस रिवर सिस्टम तो हम गंगा रिवर सिस्टम देख लेते हैं तो गंगा जो है उसका सोर्स कहाँ है गंगोत्री गंगोत्री में इसका सोर्स है जो हिमालय में ही है और यहाँ ये भागीरथी कहलाती है ठीक और ये फ्लो करते हुए आती है और बद्रीनाथ से क्या है अलकनंदा जो रिवर है वो फ्लो करते आती है और ये दोनों कहाँ आके मिलते हैं देव प्रयाग में मिलते हैं और यहाँ से ये क्या होती है यहाँ से ये गंगा कहलाती है ये रिवर तो द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है सोर्स है और ये अलकनंदा को कहाँ ज्वाइन करती है देव प्रयाग में यहाँ ज्वाइन करती है और आफ्टर ज्वाइनिंग अलकनंदा उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं गंगा जो हरिद्वार से होके गुजरती है और ये जो देव प्रयाग कहाँ पे है ये आपका उत्तराखंड में है और इस फिगर में देख लीजिए आपका यमुना जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और इसका जो सोर्स है वो कहाँ है यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ से यमुना निकलती है और ये लगभग गंगा के पैरेलल चलती रहती है और ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है जो गंगा को कहाँ जाके मिलती है अलाहाबाद में अभी इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज में तो गंगा अपने वे में मेनी ट्राइब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती है ठीक ना जैसे कि आपका यमुना हो गया घाघरा हो गया गंडक हो गया और आपका कोसी हो गया यमुना कहाँ बोला था मैंने आपको यमुना पैरल चलती है गंगा के और लास्टली जो है प्रयागराज में जाके उससे मिल जाती है तो घाघरा गंडक और कोसी जो है ये जो रिवर्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ है नेपाल हिमालयाज में नेपाल हिमालयाज मैंने आपको बताया था कि काली रिवर और आपका तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं नेपाल हिमालय कहते हैं तो जो घाघरा गंडक और कोसी का जो ओरिजिन है वो आपका नेपाल हिमालय से ही है अच्छा गंगा जो है आपका इलाहाबाद अलाहाबाद होते हुए आपका बिहार से होते हुए जो है ये वेस्ट बंगाल में जब फरक्का पहुंचती है तो वहां पे ये क्या होती है ये बाइफर्केट हो जाती है एक भागीरथी हुगली जो आपका साउथ वाट फ्लो करता है और जाके आपका बे ऑफ वे बंगाल में मिल जाता है और जो उसका मेन स्ट्रीम है वो क्या होता है कि साउथ वाट फ्लो करके बांग्लादेश में एंटर कर जाता है और बांग्लादेश में वो क्या होता है ब्रह्मपुत्रा से मिल जाता है और ब्रह्मपुत्रा और गंगा जो है टुगेदर जब आगे बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेघना रिवर कहते हैं और मेघना जो है फाइनली बे ऑफ वे बंगाल में जो है क्या होता है फ्लो हो जाता है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले ये एक डेल्टा बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं सुंदरबन डेल्टा कहते हैं जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है और इसमें जो है आपके रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं तो आप देखिए फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ देखिए जब यहाँ से गंगा फ्लो होते हुए जब ये फरक्का के पास आती है तो यहाँ बाइफरकेट हो जाती है तो एक हुगली रिवर और ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है दूसरा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और इधर से ये ब्रह्मपुत्र आती है ये ब्रह्मपुत्र जो है इसके साथ मिल जाती है और ये बाद में ये क्या कहलाता है मेघना कहलाता है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जो है जाके जो है ड्रेन हो जाता है उससे पहले यहाँ पे वो क्या बनाते हैं आपका सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों है क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी ट्री पाया जाता है और सुंदरी ट्री की वजह से ही इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है तो अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है तो ये भी आपका तिब्बत प्लेटू में ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक के पास में और आपका जो इंदस था वो किस तरफ फ्लो हो रहा था तो वो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा था इंदस लेकिन आपका ब्रह्मपुत्रा किधर फ्लो हो रहा है ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस एंड मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया ये जो है इंदस से स्लाइटली बड़ा है लेकिन इंडिया में जो है इसका काफी कम लेंथ है और जो मैक्सिमम लेंथ है इसका ब्रह्मपुत्रा का वो आउटसाइड इंडिया है ऑन रीचिंग नामचा बरवा एक नामचा बरवा है जगह है कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में वहां पे जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर करती है तो वो क्या होता है कि यू टर्न लेती है और इंडिया में इंटर करती है थ्रू ए जॉर्ज जॉर्ज किसे कहते हैं जब दो वैलीज के बीच में रिवर फ्लो करती है तो उसे हम जॉर्ज कहते हैं ठीक तो यहाँ ये क्या कहलाती है दिहांग कहलाती है ये ब्रह्मपुत्रा ही है लेकिन इसे हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं ठीक और इसे ही हम आसाम में ब्रह्मपुत्रा कहते, कहते हैं और आपका तिब्बत में सैंगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं तो ब्रह्मपुत्रा के काफी सारे नेम है आप ध्यान रखिएगा तो जब ये नामचा बरवा से यू टर्न मार के जब इंडिया में घुसता है ब्रह्मपुत्रा तो इसे हम दिहांग कहते हैं तो ये ज्वाइन होता है बहुत सारे ट्राइब्यूटरी से जैसे कि दिबांग लोहित और भी बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है और इसी को हम आसाम में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्रा कहते हैं देखिए फिगर में देखिए तो यहाँ पे लगभग ओरिजिन है इसका तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास यहाँ से जो ये रिवर ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये नामचा बरुआ से यू टर्न लेती है और ये इंडिया में इंटर करती है और उसके बाद जो ये रिवर्स है लोहित सुबहश्रीरी ये सब जो ट्राइब्रीज हैं इसमें मिलती है और यही जो है आपका आसाम में इसे हम क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और ये जो ब्रह्मपुत्रा है इधर से फ्लो करते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है जहाँ ये गंगा से मिलती है और उसके बाद ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों को हम क्या कहते हैं मेघना कहते हैं और ये बे ऑफ बंगाल में जो है ड्रेन करती है और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है अब हम देखते हैं इन तिब्बत इट कैरी लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर तिब्बत में क्या है लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कैरी करती है क्यों करती है क्योंकि वहाँ पे काफी ठंड है तो पानी जो है वो क्या हो जाता है आइस हो जाता है उसके बाद वहाँ लेस स्लीट भी वो कैरी करती है लेकिन जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है तो आपको पता ही है कि जो इधर गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं आपके पूर्वांचल में जो हिल्स हैं वहाँ पे काफी बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो है इसका वॉल्यूम क्या है काफी इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद जो है इसे जो ट्राइब्रीज है जैसे कि लोहित हो गया सुभानश्री हो गया ये सब इसे पानी प्रोवाइड कर देते हैं तो जो ब्रह्मपुत्रा का जो वॉल्यूम है इंडिया में आने के बाद क्या होता है बढ़ जाता है कंपेयर टू जब ये तिब्बत में फ्लो करके आता है और ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जब इंडिया में एंटर करता है तो क्या होता है कि काफी ज्यादा स्लिट इसके पास आ जाता है स्लिट मतलब छोटे पत्थर जो डेब्रिज ये सब इसके साथ आता है क्यों क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में याद होगा कि जो पूर्वांचल की जो माउंटेन्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए तो ये क्या होता है काफी स्लीट जो है कैरी करता है और यही कारण है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ठीक जिसे हम मजूली कहते हैं और ये मजूली कहाँ पे है आसाम में है तो हम पेनिनसुलर रिवर्स देख लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन सच एज महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड ये जो है महानदी ईस्टवर्ड फ्लो करती है गोदावरी भी आपका ईस्टवर्ड फ्लो करती है कृष्णा कावेरी ये सारे ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं और ये बे ऑफ बंगाल में जाके जो है वो ड्रेन होते हैं लास्टली और ये ड्रेन होने से पहले क्या है आपका डेल्टा बनाते हैं और कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती ये क्या होता है कि आपका वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं और मिलने से पहले ये स्तूरीज बनाती हैं ये स्तूरीज क्या होता है तो इनक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर इन विच रिवर वाटर इज मिक्सड विथ सी वाटर एक इनक्लोज कोस्टल बॉडी होता है जिसमें रिवर वाटर और आपका सी वाटर जो है दोनों मिक्स हो जाते हैं इसे हम स्तूरी कहते हैं तो ये कौन कौन सी रिवर बनाती है तो ये आपका नर्मदा और ताप्ती रिवर बनाती है तो नर्मदा बेसिन देख लेते हैं तो नर्मदा का जो सोर्स है वो कहाँ है अमरकंटक हिल्स में है जो कहाँ पे है एमपी में है मध्य प्रदेश में और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए रिफ्ट वैली में लाशनी कहाँ रेन होती है अरेबियन सी में धुआंधार फौज जो है आपका नर्मदा रिवर पे है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और जो नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करता है अब हम देखते हैं तापी बेसिन तापी और तापती बेसिन तो तापी राइजेस तापी राइज होता है सतपुरा रेंजेस में ठीक मैंने आपको बताया था सतपुरा रेंजेस कहाँ है आपका डेक्कन प्लेटूज में पेनसुलर प्लेटूज में सतपुरा रेंजेज है और इसका ओरिजिन का लोकेशन कहाँ है तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है इट ऑल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरल टू द नर्मदा और यह भी क्या है रिप्ट वैली से ही फ्लो करती है नर्मदा के पैरलर बट इट इज मच शॉर्टन इंड लेकिन ये जो इसका लेंथ है वो नर्मदा से काफी छोटा है और ये किस किस स्टेट्स को कवर करती है तो एम गुजरात और आपका महाराष्ट्र अब हम देखते हैं गोदावरी बेसिन तो गोदावरी रिवर जो है सबसे लार्जेस्ट पेनन्सुलर रिवर है जो जितने भी पेनन्सुलर रिवर्स है उसमें सबसे लार्जेस्ट जो है आपका कौन सा है गोदावरी है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ये नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और ये किस तरफ जाती है ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है और लास्टली ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और इसका जो लेंथ है वो कितना है फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र का पार्ट कवर करती है मध्य प्रदेश उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का और ट्राइबूट्रीज क्या क्या है गोदावरी के तो इसका ट्राइबूटरीज है पूर्णा वर्दा प्राणहिता मांजरा वेन गंगा पेन गंगा ये सब जो है इसके ट्राइबूट्रीज हैं और गोदावरी इज ऑल्सो नोन है दक्षिण गंगा गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं उसके बाद आपका आता है महानदी बेसिन तो महानदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है हाई ऑफ रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका जो है ओरिजिन है और ये उड़ीसा से फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जो है ड्रेन हो जाती है और इसके जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से रिवर्स हैं तेल और जोंक रिवर है जो इसके ट्राइब्यूटरीज हैं आपने एक बांध सुना होगा हीरा बांध ये हीराकुंड बांध जो है आपका किस रिवर पे है वो महानदी रिवर पे ही है अब हम देखते हैं कृष्णा बेसिन तो ये कृष्णा रिवर भी कहाँ फ्लो करती है इस डायरेक्शन में फ्लो करती है और इसका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है महाबलेश्वर जो कहां पे है महाराष्ट्र में है और इसका जो लेंथ है वो कितना है 1400 किलोमीटर है और ये जो है फाइनली कहां ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में जो भी ईस्ट जाएगा वो कहा बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होगा ये ध्यान रखिएगा जो वेस्ट जाएगा वो कहां ड्रेन होगा आपका तो वो अरेबियन सी में ड्रेन होगा तो ट्राइबूट्रीज ऑफ कृष्णा क्या क्या है तो तुम्भंद्रा रिवर है कोयना है आपका घाट प्रभा है मूसी है और भीमा ये इसके ट्राइबूट्रीज है कृष्णा रिवर के हम कावेरी बेसिन देख लेते हैं तो कावेरी भी आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसका जो राइज कहाँ से होता है तो ब्रह्मगिरी रेंज जो है वेस्टर्न घाट में यहाँ से इसका राइज होता है और ये भी लास्टली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है कहाँ पे साउथ कुडालोर जो तमिलनाडु में है तिरछी के नजदीक एक शिवा समुद्रम वाटरफॉल है वो आपका कावेरी रिवर पे ही लोकेटेड है और ट्राइबूट्रीज ऑफ कावेरी क्या क्या है आपका अमरावती भवानी हेमावती काविनी ये भी जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको एक से दो बार पढ़िएगा और आप मैप पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि कहां पे कौन सी रिवर फ्लो होती है तो आपको जो है ये इजिली समझ में आ जाएगा और आपको काफी दिन तक याद भी रहेगा तो हम देखते हैं लेक्स के बारे में तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं जनरली वो कहां पे है हिमालय रीजन में है एंड दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन ग्लेशियर पिघलने की वजह से इनका ओरिजिन हुआ है इसलिए इसे ग्लेशियर ओरिजिन कहते हैं उलान लेक जो है जे के में वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाकी और भी बहुत सारे लेक हैं जैसे कि डल लेक है आपका जे में भीमताल नैनीताल ये कहाँ पे है दोनों उत्तराखंड में है लोकटक झील कहाँ पे है मणिपुर में है और बारा पानी बारा पानी को हम उमियम लेक भी कहते हैं और ये कहाँ पे है आपका मेघालय शिलोंग के आसपास है ये सब इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं इंडिया में अच्छा कुछ लेक्स जो है वो कैसे हैं नेचुरल लेक्स से कुछ लेक्स हैं उनका क्या है फॉर्मेशन हुआ है जैसे कि गुरु गोविंद सागर लेक ये हुआ कैसे है कि जब हाइड्रल पावर से हम बिजली बनाते हैं तो क्या होता है कि डैम बनता है तो डैम से वाटर जो है वो क्या होता है नीचे जो है फ्लो फ्लो करता है तो ये जो नीचे फ्लो करता है वो डैम से वाटर तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इरोजन होता है होगा ना जब ऊपर से पानी इतने फोर्स से नीचे फ्लो करेगा तो इरोजन होगा इसकी वजह से यहाँ पे लेक फॉर्म होता है तो ये जो है वो नेचुरल लेक्स नहीं है जब जनरेशन ऑफ हाइड्रल पावर करते हैं और जब हम डैम बनाते हैं तो उस वजह से कुछ लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो हम देख लेते हैं रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी तो रिवर हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री जो हमारा हिस्ट्री है उसमें पहले से ही रिवर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपने सुना होगा कि जितने भी बड़े सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी जैसे इंदस वैली सिविलाइजेशन आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो भी डेवलप हुई थी वो कहाँ पे डेवलप हुई थी रिवर्स के किनारे ही डेवलप हुई थी क्यों क्योंकि यहाँ से इन्हें फ्रेश वाटर मिल जाता था प्लेन लैंड मिल जाते थे जहाँ पे ये खेती कर सके तो इसलिए रिवर का इम्पोर्टेंस हमारा हिस्ट्री से ही रहा है और वाटर जो है वो क्या है बेसिक नेचुरल रिसोर्स है जो काफी इसेंशियल है फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए रिवर आर यूज फॉर इरिगेशन रिवर्स का यूज अपना इरिगेशन में होता है जिससे आपका एग्रीकल्चर होता है नेविगेशन होता है इनलैंड वाटर वेस्ट जितने भी हैं वो आपके रिवर्स में है उससे जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है गुड्स को भेजा जाता है हाइड्रो पावर जनरेशन होता है तो रिवर जो है वो क्या करता है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में तो हम देखते हैं रिवर पॉल्यूशन तो रिवर क्या है अभी काफी पॉल्यूटेड हो रहा है ड्यू टू रिन इंडस्ट्रियालाइजेशन ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से और जो रिवर का वेस्ट है उसको बिना ट्रीट किए हुए जो है नदी में जो है एम्टी कर दिया जाता है जिसकी वजह से रिवर्स जो है काफी पॉल्यूट हो रहे हैं पर इस पे जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफी कंसर्न है और इसके लिए जो है काफी एक्शन प्लांस जो है लॉन्च किए गए हैं जैसे कि आप देखे होंगे नमामि गंगे क्लीन गंगा करने के लिए यमुना को साफ करने के लिए बहुत सारे जो है एक्शन प्लांस लॉन्च किए गए हैं रिवर्स को साफ करने के लिए तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री तो ब्रांचेज ऑफ ए ट्री मैंने आपको बताया था कौन सा पैटर्न है ये डेंड्रेटिक पैटर्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द उलर लेक लोकेटेड तो उलर लेक क्या है ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना जो है लेक है और ये कहाँ पे है जे में है और ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का थर्ड देखते हैं द रिवर नर्मदा है जिस सोर्स है रिवर नर्मदा का सोर्स कहाँ पे है तो मैंने आपको बताया था अमरकंटक कहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश में और नर्मदा किधर फ्लो करती है वेस्ट साइड फ्लो करती है और आपका अरेबियन सी में जाके मिलती है विच वन ऑफ द इज लेकिन सॉल्ट वाटर लेक सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है तो सांबर लेक ये कहाँ पे है आपका राजस्थान में बाकी ये सब फ्रेश वाटर लेक है उलर डल और गोविंद सागर विच ऑफ द फोलिंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दॉन्गेस्ट रिवर कौन है गोदावरी है जिसका जो लेंथ है कितना है लगभग पंद्रह सौ किलोमीटर है इसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं विच वन एम्स द फोलोइंग रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली से कौन फ्लो करता है तो आपका तापी रिवर फ्लो करता है और नर्मदा भी फ्लो करता है एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं ब्रीफ में तो व्हाट इज मीन बाय वाटर डिवाइड तो वाटर डिवाइड मैंने आपको बताया कि दो जो रिवर बेसिन है अगर उसको कोई अपलैंड पार्ट जो है अलग करता है इज इज नोन एज वाटर डिवाइड द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है गंगा गंगा बेसिन वेयर डू द रिवर एंड हैव है ओरिजिन तो इंडस का ओरिजिन कहाँ पे है आपका इंदस का ओरिजिन मानसरोवर लेक में तिब्बत में है और गंगा का ओरिजिन कहाँ है गंगोत्री ग्लेशियर में है नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा तो दो हेड स्ट्रीम क्या है एक आपका भागीरथी है और एक अलकनंदा है और भागीरथी आपका गंगोत्री से होता है और ये आपका जो है केदारनाथ से अलकनंदा आती है और ये देव प्रयाग में जाके मिल जाती है उत्तराखंड में और यहाँ से ये गंगा हो जाती है वाइट द ब्रह्मपुत्र इन इट्स सिपट पार्ट है क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है आइस वहां पे ज्यादा है जिसकी वजह से ज्यादा इरोड नहीं हो पाता है पत्थर तो इस तो इसीलिए तिब्बत पार्ट में जो है काफी लेस स्लिट होता है विश टू पेनेसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू रफ रफ मतलब रिफ्ट वैली से विश टू फ्लो थ्रू रफ दो रिवर कौन से रफ में मतलब आपका रिफ्ट वैली से फ्लो होता है तो आपका तापी और नर्मदा इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिवर एंड लेक्स मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है आपका इरिगेशन फैसिलिटी होता है आपका इनलैंड वाटर वेज है जिससे गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं आपका इंडस्ट्रीज में वाटर का काम आता है मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक जो है बेनिफिट्स हैं वाटर और लेक्स के अभी कुछ एक्टिविटीज हैं ये भी हम कर लेते हैं तो नागार्जुना सागर इज ए रिवर वैली प्रोजेक्ट नेम द रिवर नागार्जुना सागर किस रिवर पे है तो ये आपका कृष्णा पे है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का कौन सा है आपका तो गंगा है ऐसे तो आपका ब्रह्मपुत्र है लेकिन जो उसका कोर्स है वो ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहता है जो इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लो करता है वो क्या है गंगा है लगभग 2525 किलोमीटर फ्लो करता है द रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए प्लेस नोन एज बीस कुंड कौन सा रिवर है तो ब्यास रिवर ही होगा द रिवर विच राइजेज इन द बेटूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड फ्लोज वेस्ट तो कौन सा है ये बेटूल डिस्ट्रिक्ट में तापी द रिवर विच वॉज नोन एज द सौर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन सा है सौर ऑफ वेस्ट बंगाल दामोदर रिवर को कहते हैं क्योंकि इसमें काफी जो है फ्लड आते रहता है इसीलिए सौर ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं सौर बिहार किसे कहते हैं तो कोसी नदी को कहते हैं द रिवर ऑन विच द रिजर्व फॉर इंदिरा गांधी कैनाल है बिल्ड। किस पे है इंदिरा गांधी केनाल तो सतलज पे द रिवर हुज सोर्स लाइज नियर रोहतांग पास रोहतांग पास के पास किसका सोर्स है तो रावी रिवर का आर से याद रखिएगा रोहतांग और आर से रावी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पनार इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है तो गोदावरी है आपका ए ट्राइबरी ऑफ इंडस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कौन सा है तो आपका चेनाब है द रिवर फ्लोइंग थ्रू फॉल्ट ड्रेन इन टू अरेबियन सी तो आपका कौन सा है नर्मदा ए रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच रिस रेन वाटर बोथ इन समर एंड विंटर कौन सा ऐसा रिवर है समर और विंटर में रिसीव करता है तो कावेरी है कावेरी जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून में भी रिसीव कर लेता है और जब रिट्रेटिंग मानसून आता है उसमें भी रिसीव करता है तो कावेरी समर और विंटर दोनों में रिसीव करता है ए रिवर थ्रू लद्दाख गिलगिट एंड पाकिस्तान ये कौन सा रिवर है तो आपको मैंने बता ही दिया है इंदस रिवर है एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट एक ही रिवर है इंडियन डेजर्ट का वो कौन सा है आपका लूनी रिवर है इंडियन डेजर्ट में और ये लूनी रिवर है ये कहाँ ड्रेन होती है आपका अरेबियन में ड्रेन होती है वेस्ट वॉटर फ्लो करती है ये तो द रिवर चनाब इन पाकिस्तान चनाब रिवर को कौन करता है पाकिस्तान में तो झेलम ए रिवर विच एट यमुनत्री ग्लेशियर कौन सा रिवर है तो यमुनत्री है तो यमुना ही होगा तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे